हेलो गाइस, देखो जस्ट मेरी अपनी खुली है। देखो गाइस, रेड कलर के क्लाउड हो रहा है सनराइज के ठीक पहले। ये भी मैं अपना टेंट का गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। गाइज देख रहे हो कि कैसा रेड रेड सा हो रहा है चेहरा पूरा। ये सिर्फ इसलिए बिकॉज अभी 5:15 बज रहा है और सनराइज़ होने ही वाला है ठीक इसलिए। तो गाइज चलो, आज तो मुझे वापस से वहीं जाना है जहाँ पे मेरा बैक पेन ठीक हुआ था, तो थेरेपी लेने। तो चलो फटाफट से रेडी हो जाते हैं बिकॉज मेरी मोबाइल की बैटरी भी 10% बची हुई है। सो फटाफट से चलते हैं नीचे, मोबाइल चार्जिंग पर लगाते हैं और रेडी होते हैं। लेट्स गो। पता नहीं, छोटे छोटे बादल होते हैं ना, छोटे छोटे, ये बस सुबह ही देखने को मिलते हैं, फिर दिन भर देखने को मिलेंगे नहीं। पता नहीं ये सुबह ही सुबह बनते हैं ऐसे छोटे छोटे बादल। नेचर डिफरेंट। और एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व करी है, अभी बस 5 बजे से लेके 5:30 मॉर्निंग में अभी मॉस्किटोज बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब ये बहुत दिखेंगे आपको। और फिर जैसे ही 5:35, 5:40 होगा और ये एक भी मॉस्किटो नहीं दिखेगा फिर आपको। गाइस वो देखो मंकी। ये बहुत सारे मंकी होंगे अभी। तो गाइस देखो 5:35 हो गया और अब जितने भी मॉस्किटो हैं अब वो सारे गायब हो गए हैं और अब ये वापस से दोबारा एक्टिव होंगे लाइक धीमे धीमे। अभी गर्मियां हैं तो ये 10:30, 11 के आसपास अब ये दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। तो गाइस मैंने ये सुबह सुबह की हवा को एक नाम दिया है, फ्रेश एयर शॉवर। लाइक जो हवा सुबह सनराइज़ के ठीक आधे घंटे पहले तक चलती है ना, उसको बोलेंगे फ्रेश एयर शॉवर। बिकॉज ये जो एयर होती है वो इतनी ज़्यादा फ्रेश और इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है कि ऐसा लगता है कि हम इसमें शॉवर ले रहे हैं। लाइक शॉवर लेने के बाद हम जैसे रिफ़्रेश हो जाते हैं ना, वैसे ही ये सनराइज़ ठीक पहले वाली जो फ्रेश एयर होती है ना, इसमें शॉवर लेने के बाद में या इसको लेने के बाद में हमें ठीक वैसा ही फील होता है, वैसा ही फ्रेश, वैसा ही एनर्जेटिक जैसा ठीक हम नहाने के बाद फील करते हैं। तो मैंने इसको नया नाम दिया है फ्रेश एयर शॉवर। गाइस तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ वापस से वही अमेजिंग जगह जाने के लिए जहाँ मेरा बैक पेन ठीक हुआ था। मैं 2 से 5 दिन और जाऊँगा तो मिलता हूँ वहीं पे। बाय बाय बाय। गाइस देखो कितनी स्टाइलिश बुलेट है। मैं आ चुका हूँ, बस मेरी वैन मुझे पिकअप करने वाली है, आने वाली है। जब तक आज मेरा फास्ट है तो मैं फलारी चिप्स ले लेता हूँ इस शॉप से। भैया फलारी चिप्स हैं क्या? ये आ गई मेरी वैन, मैं इसमें बैठूंगा। इधर बढ़िया, अरे यार इधर। तो गाइस इसके अंदर वो बैठते हैं, पता नहीं रिकॉर्डिंग अलाउ है या नहीं, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग तो नहीं करी।
हाँ डाल दूंगा गाइस। मेरा तो हो गया, मेरे को फिर से रिलैक्स मिल गया और 12-13 बार फिर मेरी कमर चटकी यहाँ पे, ये वाला हिस्सा चटका। बस इतनी जल्दी फटाक यहाँ हो जाओ, यहाँ पे आते ही टाइम नहीं लगता, फट से हो जाता है। चलो अभी बैठे हैं, दिस इज कॉल्ड अ सेक्रेट प्लेस। आज फास्ट तो चिप्स खाते हैं। चलो गाइस, वो सेक्रेट प्लेस से तो मैं आ गया हूँ और बस अभी मैंने यहाँ पे चाय वाली पी ली, मेरी गाड़ी उधर खड़ी हुई है, तो चलो लेट्स गो होम। देखो गाइस कितनी छोटी चिड़िया, ये हेमिंग बर्ड है। तो गाइस अभी बज रहा है दिन का ऑलमोस्ट 4:35 बजने वाला होगा, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। एक्चुअली मैं एक इम्पॉर्टेंट काम से निकला था, एक सरकारी काम से, बट वही है कि पुराने डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ तो दोबारा से जाना पड़ेगा। और आज तो ब्लॉग नंबर 206 अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बिकॉज बहुत टेक्निकल इशू आ रहा था, कोई वीडियो एडिटिंग के टाइम पे मुझसे ऐप वाली फाइल मुझसे डिलीट हो गया था, तो अपलोड ही नहीं हो रहा था। एक दो घंटे की मेहनत के बाद में वो अपलोड हुआ, तो पता चला कि आधा व्लॉग अपलोड हुआ। फिर मैंने व्लॉग को अपलोड डिलीट किया यूट्यूब से, और फिर मैंने दोबारा से उसको अपलोड किया एडिट पूरा करके। तो बस जस्ट अभी उससे फ्री हुआ था थोड़ी देर पहले, और अभी मैं आया हूँ जहाँ पे आजकल बहुत कम आना होता है यूजली लोगों का, तो मैं दिखाता हूँ आपको। मोची शॉप, यहाँ पे अब बहुत ही कम लोगों को आना होता होगा फॉर श्योर, बहुत ही कम आते होंगे लोग। ये देखो गाइस सिनेमैटिक सीन हमारे एरिया का। चलो गाइस फटाफट अभी चलेंगे अपन डैम, घर पहुँच के थोड़ा सा काम निपटाना है, वो काम कंप्लीट करके फिर फटाफट चलेंगे डैम। ये पे गाइस बहुत ही ऑसम हवा चल रही है, फटाफट डैम जाना पड़ेगा फटाफट, तो चलो फटाफट घर चलते हैं। रेडी गाइस, ये मेरी ड्रीम राइड है यार, मुझे इस पे जाना है एक बार। तो गाइस ऑलमोस्ट 6 बजने वाला, चलो फटाफट डैम भागते हैं मेरी सुपर पावर से, लेट्स गो 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 गो। लो गाइस मैं एक सेकंड के अंदर अपनी सुपर पावर से डैम तक आ गया हूँ, और अब मैं एक सेकंड के अंदर अपनी सुपर पावर से पूरी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधा आपको एक सेकंड में ऊपर मिलूंगा। चलो गाइस स्काई इज कॉलिंग अस, यस गो 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 गो। लो गाइस मैं एक सेकंड के अंदर अपनी सुपर पावर से सीधे डैम के ऊपर आ गया हूँ, चलो आपको व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस एज पर एक्सपेक्टेशन वेदर बहुत ही ज़्यादा कूल है, बहुत ही ज़्यादा, बस थोड़ी सी ठंडी हवा चलेगी और वो भी थोड़ी देर में चलने लगेगी, आई नो दैट। ओके चलो गाइस फिलहाल बैठ के कूल ड्रिंक का मजा लेते हैं, नहीं तो ये गर्म हो जाएगी। सो रिलैक्सिंग। और सैडली यहाँ से जाना पड़ रहा है बिकॉज पुलिस वाले अंकल ने सबको हाँक दिया है यहाँ से, गो अवे।
गाइस वहां से मैं सीधा आ गया हूँ यारों दा अड्डा कैंपेन स्ट्रीट पे। बाहर से आके बढ़िया मैंने शॉवर और ले लिया है और अब इसके पहले कि नींद अपने जाल में अपनी चुंगल में मुझे फंसा ले, फटाफट अपन छत पे चलते हैं और वहीं पे चल के थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे और बाकी की जो बचेगी वो सुबह करेंगे। सो लेट्स गो ऑन द रूफ। तो लो गाइस फाइनली मेरा टेंट रेडी है छत पे और इसी के साथ मून भी निकल आया है, लेकिन ये मून पता नहीं क्यों जल्दी डूब जाता है। तो चलो गाइस अब मैं बैठूंगा एडिटिंग पे। इसी क्लिप के साथ इस व्लॉग का करते हैं दी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आस्ता ला वीस्ता, आरियो सभी को चाओ चाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, देखो अभी ये नॉर्थ स्टार निकल आया है। 4:30 सुबह का, 4:30 बज रहा है।